नेताओं से मुलाकात करेंगे प्रियंका। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, प्रियंका गांधी वाड्रा जयपुर से लखनऊ पहुंचेंगी और पीसीसी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। सुबह 11 बजे से मुलाकात का सिलसिला शुरू होगा। सुबह 11 से 12 के बीच सीतापुर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी प्रियंका गांधी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, सुबह ही वो जयपुर से राजधानी लखनऊ पहुंच जाएंगी और फिर कार्यकर्ताओं से मुलाकात का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। कल कार्यक्रम को निपटाने के बाद वो जयपुर रवाना हो गई थी। वहां पर रॉबर्ट वाड्रा से जमीन को जाने के मामले में पूछताछ होनी है आज और कल। प्रियंका गांधी यहां पर तमाम कार्यक्रम निपटाने के बाद, रोड शो खत्म करने के बाद जयपुर निकल गई और आज वो राजधानी लखनऊ वापस आएंगी और फिर आते ही मिशन यूपी पर आगे बढ़ेगी प्रियंका गांधी। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। सुबह 11 बजे से ही कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। 11 से 12 के बीच में सीतापुर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी प्रियंका गांधी, ऐसी खबर है। राजधानी लखनऊ पहुंचेंगी, मिशन यूपी की शुरुआत और आगे इसी सिलसिले को बढ़ाएंगी प्रियंका गांधी। और तमाम कार्यकर्ता पीसीसी मुख्यालय लगातार सुबह से ही पहुंचने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले सीतापुर के कार्यकर्ताओं से मिलेंगी, उनसे जानेंगी, उनकी राय लेंगी, उनकी जो बात होगी वो सुनेंगे प्रियंका गांधी। उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों के सिलसिलेवार तरीके से कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी प्रियंका गांधी। राजधानी लखनऊ पहुंचेंगी थोड़ी देर के बाद और फिर पहुंचते ही एक्शन मोड में आ जाएंगी प्रियंका। और इसी पर मेरे सहयोगी फरमान अब्बास लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। फरमान, कल वो रोड शो को निपटाने के बाद जयपुर गई थी, आज वापस आएंगी, कितने बजे पहुंचेंगी और फिर जो कार्यक्रम है पीसीसी मुख्यालय में वो शुरू होगा? कल रोड शो के बाद, यहाँ जब कांग्रेस कार्यालय पर रोड शो खत्म हुआ था उसके बाद प्रियंका गांधी जयपुर के लिए रवाना हो गई थी और आज तकरीबन 11 बजे एक बार फिर से वो लखनऊ पहुंचेंगे और यहाँ पर जो पीसीसी कार्यालय है वहाँ पर कार्यकर्ताओं और जो नेता हैं, जिन क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है पूर्वी उत्तर प्रदेश के, उन क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात करेंगी, फीडबैक लेंगी। तो ये कहा जा सकता है कि जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर उम्मीदवारों को और क्षेत्र में क्या स्थिति है, किस तरह का माहौल है, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने का काम करेंगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की के जो प्रभारी हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात करेंगे और उनसे फीडबैक लेंगे। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है लोकसभा चुनाव को देखते हुए। प्रियंका गांधी जिस तरह से आज जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनसे मुलाकात करने के बाद जो फीडबैक लेंगी वो उससे रणनीति तैयार होगी आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की। तो ये कहा जा सकता है कि आज का जो दिन है वो कांग्रेस, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए बेहद अहम है। प्रियंका गांधी आज सबसे पहले जो सीतापुर मिश्रिख के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनसे मुलाकात करेंगी। इसके अलावा मोहनलालगंज लखनऊ के कार्यकर्ताओं नेताओं से मुलाकात करेंगी, कौशाम्बी के जो कार्यकर्ता नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगी। सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद फीडबैक लेंगी। ठीक, सभी से फीडबैक भी लेंगी प्रियंका गांधी। लेकिन फरमान, ये कहा जा रहा था कि हर लोकसभा सीट के कार्यकर्ताओं को कम से कम एक घंटे का वक्त देंगी प्रियंका गांधी, एक घंटे में उनकी बात भी सुनेंगी, अपनी बात भी रखेंगी और उनकी राय भी लेंगी प्रियंका गांधी। एक घंटे का वक्त मिलेगा सभी कार्यकर्ताओं को? देखिए, जो कार्यक्रम बनाया गया है वो इसी तरह का जो कार्यक्रम तय किया गया है। प्रियंका गांधी खुद चूंकि एक एक बिंदु पर जो कार्यशैली रही है प्रियंका गांधी की, अगर हम रायबरेली और अमेठी की बात करें तो कार्यकर्ताओं से जब वो मिलती हैं या नेताओं से जब वो मिलती हैं तो उनकी एक एक बात को सुनती हैं और उनसे खुद को, अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं और फीडबैक लेती हैं। तो ऐसे में हर लोकसभा की जो सीट है उससे जो कार्यकर्ताओं से नेताओं से मुलाकात करेंगी उसके लिए एक घंटे का समय तय किया गया और एक घंटे के दौरान वो बातचीत करेंगी और तमाम बिंदुओं पर बात करेंगी कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, वहाँ पर कांग्रेस का किस तरह से पिछले चुनाव में प्रदर्शन रहा, कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं, कौन से नेता सक्रिय रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में कौन सा नेता लोकप्रिय है, ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पर वो बातचीत करेंगी। हाँ ठीक, लेकिन फरमान कितने बजे पहुंचेंगी प्रियंका गांधी, क्या कहा जा रहा है? क्योंकि 11 से 12 के बीच में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, कितने बजे पहुंचेंगी और सिंधिया अभी भी पीसीसी मुख्यालय पर ही है?
तकरीबन 11 बजे प्रियंका गांधी यहां पर पहुंचेंगी। जो सिंधिया हैं वो अब से कुछ देर बाद यहां पर पीसीसी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं और वो यहां पर पहले पहुंचेंगे, उसके बाद प्रियंका गांधी यहां आएंगी। प्रियंका गांधी के आने का जो वक्त बताया जा रहा है वो 11 बजे का है कि 11 बजे वो यहां पर पहुंचेंगी और उसके बाद कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करना शुरू करेंगी। लेकिन कार्यकर्ताओं की अगर हम बात करें तो जिस तरह का कल जोश नज़र आया था रोड शो के दौरान, वो जोश आज भी बरकरार है और आज जिन कार्यकर्ताओं, जिन क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से वो मिलेंगी, उनका सुबह से ही आना यहाँ पर शुरू हो गया है कांग्रेस के मुख्यालय पर। ठीक है, शुक्रिया आपका फरमान, लगातार नजर बनाए रखेगा तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। आगरा से खबर है, कांग्रेस लोकसभा सीटों के लिए टेस्ट लेगी आगरा फतेहपुर।